मठाधिराज समय सार की टीका करते हुए चंपू काव्य अमृत चंद्र देव ने लिखा है, आप सब जानते हैं, जो गद्य पद्यमय हुआ करता है, गुनगुनाने के लिए, दिल में बसाने के लिए, रोने के लिए, आनंद के लिए पद्य हुआ करता है। जब भी कोई बहुत खुश होता है तो गुनगुनाते हैं, और जब तर्क और युक्ति की कसरत करनी होती तब गद्य का आलम्बन लिया जाता है। बहुत अच्छे से कहो, जब दिमाग हावी होता है, बुद्धि हावी होती है, तो गद्य का आलम्बन होता है, जब दिल हावी होता है तब पद्य का आलम्बन होता है। खैर, ये तो कोई कहने की बात नहीं है। छठवें कलश के बाद एक टीका लिखी अमृत चंद्र देव, कलश और कलश पे टीका, ऐसा बहुत ही कम हुआ है मेरे ख्याल से, ये इकलौता ऐसा कलश होना चाहिए। वहां पर ये जयचंद जी का होना चाहिए। छठवें कलश के बाद अच्छा प्रकरण चला है। प्रश्न यह पूछा, क्या चैतन्य मात्र की अनुभूति सम्यक तो पद को दे सकती है, देगी, क्या अनिवार्यता है, ऐसा प्रश्न पूछा। हम तुमको बाहर पूछा जाइए प्रश्न, हमको मतलब थोड़ा ज्ञान होने के पहले कभी हमको भी कोई पूछता, और आज कदाचित आपको पूछा जाइए प्रश्न, क्या चैतन्य मात्र की अनुभूति ही सम्यक तो है, हाँ निशंक, इसमें क्या है साहब। तो वहां पर यह कहा कि एक चार्वाक मत को छोड़कर जितने भी मत मतांतर है, जैन और जैनेतर जितने भी है, वे सब एक स्वर से चैतन्य मात्र की अनुभूति को आत्मानुभव कहते हैं, निर्वाण का उपाय कहते हैं। दरअसल बात इतनी सी ही है कि वे कोरे चैतन्य मात्र की अनुभूति कहते हैं लोग, हम कोरे चैतन्य मात्र की अनुभूति नहीं कहते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा चैतन्य मात्र ही नहीं है, आत्मा चैतन्य के अलावा संसार के पर्याय रूप भी है, राग द्वेष के पर्याय रूप भी है, ऐसा संपूर्ण आत्मा, ऐसी संपूर्ण आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो त्रिकाली का आश्रय होगा वह तुमको अनुभूति देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य, जो सांख्य मत वाले हैं, वेदांत वाले हैं, जो आत्मा को ज्ञान मात्र ही मानते हैं, लेकिन वे राग द्वेष की किसी भी प्रकार सत्ता आत्मा में मानते ही नहीं, ऐसा होने का प्रसंग बनेगा। और जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता, वो ये कहता है कि इसकी सत्ता में ही होता है और जीव ही इसके लिए जिम्मेदार है, बट यह गलती का फल है, यह कोई चौड़ी छाती करके चलने का गौरव का विषय नहीं, यह कालीमा का विषय है, गर्दन नीचे चलकर करके चलने का प्रसंग है। इसलिए अभिमान से यह छाती ठोक कर यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्वभाव, हाँ होता है, हुआ है, हमसे ही हुआ है, फल भोग भी रहे। निष्कर्ष इतना सब कहने का इतना भर है कि संसार की सिद्धि जैन शासन ने मानी, वे लोग संसार की सिद्धि मानते ही नहीं, अनादि निधन मुक्त जैसे हमारा द्रव्यर्थिक नए है वैसे सांख्य वैसा ही मानता है, और संसार की स्वीकृति पूर्वक ही संसार का अभाव संभव है। इसलिए दो पक्ष की बात चल रही है, संसार दुख और मोक्ष सुख।
ये तीसरे अध्याय का यही विषय है। तो संसार है कहकर उसका भाव बताया जा रहा है। संसार एक तत्व है, इस अध्याय में दो तत्वों की चर्चा चली है, संसार और मोक्ष। बहुत कहना हो तो चार तत्वों में विभाजन हो सकता है सात तत्वों का, हमने पहले भी चर्चा की थी। एक तो जीव, अजीव, संसार, मोक्ष। संवर गिरचर भी एक देश मोक्ष ही है, उसमें क्या बात है। चौथे गुण स्थान वर्ती को दृष्टि मुक्त तो बोला ही है। चार तत्व होते, प्रयोजन भूत तत्व बोलना हो, प्रयोजन की सिद्धि की बात करनी हो, हालांकि ये प्रयोजन भूत तत्व ही है, बट इवन देन इसको भी एकदम बारीकाई से प्रयोजन बिठाना हो तो चार तत्व है, स्व, पर, हे, उपादे, चार ही तत्व। शायद कभी मैंने आपसे बात की होगी, श्वेतांबर पक्ष के कोई एक, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, तो वे साधु ने एक चिट्ठी लिखी श्रीमद जी को एक बार, कभी शायद चर्चा हुई हो, और चिट्ठी में ये लिख भेजा, मेरे अंतिम दिन चल रहे हैं, हो सकता है कभी भी आयु का क्षय हो सकता है, और साथ साथ इसकी बड़ी टीस है मेरे अंदर शोभागुण कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और सम्यक्त को अर्जित किए बिना इस पर्य को छोड़ना और चलते फिरते शव समान सम्यक्त विहीन जीवों को चल सहाओ। कुनकुन स्वामी ने एक रिमार्क कर दिया, एक तीखा रिमार्क कर दिया, वे लोग चलते फिरते शव है। अरे ऐसी सांस तो धोकनी भी भरती है लोहार की, रात दिन कुछ समझ रहे मेरा कहने का, लोहार की जो धोकनी होती है, धोकनी, अरे धोकनी जिसको लेकर वो आग फेंकती ऑब्जेक्ट को वो गर्म करने के लिए, वो भी चमड़े की बनी रहती है, सांस तो वो भी लेती है चमड़े की वस्तु, तो तुमको तुम में और उनमें तो कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा है। सम्यक तो अर्जित किए बिना पर्याय का नाश होना तो ऐसा होगा कि खाली हाथ हमको बिना सौदा किए जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, इस नर पर्याय रूपये हाट में आकर, क्या है वो छंद में भूल रहा हूं, व्यापारी बनाइए नर भव हाट मझार, छंद इस हाट में आकर यदि हम बिना सौदे के चले जाए, समझ लेना चाहिए कि आगे कोई उपलब्धि नहीं होगी, कंगाल पना ही हाथ में आएगा। तो श्रीमद जी ने एक पलट कर कहा, तो उन्होंने कहा था गुरु मंत्र हमें कुछ दीजिए जिससे हमें उभरने का अवसर मिलेगा। तो पलट कर श्रीमद जी ने चार पद की, छह पद की रचना की थी, छह पद की। आत्मा है, कभी चर्चा हुई थी शायद अपनी, आत्मा है एक, आत्मा नित्य है दो, संसार है तीन, संसार का कारण है चार, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, उपाय कहना उपाय, ऐसी छह बातों को उन्होंने पद लिखकर भेजा और फिर कहा निकट भविष्य में जब मिलना होगा तो और चर्चा कर लेंगे, अब दूर से इतना ही संभव हो सकता है। ये चिट्ठी उनके पास पहुंची और फिर उनका देह विलय हो गया। फिर श्रीमद जी को एक विकल्प आया, ऐसे कितने लोग होंगे, तो उन्होंने फिर आत्म सिद्धि शास्त्र, इसी की सिद्धि के लिए लिखा था। आत्म सिद्धि शास्त्र जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हैं मंगलार्थी? तो हाँ ना, तो ये इसी की रचना के लिए फिर बाद में एक विकल्प उत्पन्न हुआ कि इसको विस्तार में आना चाहिए, तो छह पद का विस्तार से चर्चा इसमें की है। अभी प्रकरण ये चल रहा है, दो पक्ष है, एक अंधकार का और एक उजाले का, एक
संसार दुख का वर्णन, एक मोक्ष सुख का वर्णन ऐसा करना है। हालांकि एक का वर्णन होने से दूसरे का वर्णन हो जाता है, लेकिन यह न्याय की चुस्त शैली हुआ करती है कि अस्थि परक नास्ति हो और नास्ति परक अस्थि होना चाहिए। न्याय में साफ साफ कहा जाता है, मैं जो भी कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, यह आगे का कहना पड़ता है। कुन स्वामी ने भी समय सार जी में एकत्व विभक्त को दिखाने की प्रतिज्ञा की, अस्थि पर और फिर नास्ति पर। यहां पर भी पर्याय रूप तत्वों में भी अस्थि पर नास्ति पर की बात करना चाहते हैं। और सामयिक के काल में जीव को क्या विचारना, ऐसे प्रश्न समन भद्र स्वामी के सामने खड़ा हुआ। आप जल्द ही उससे रूबरू होंगे, अभी शायद एक आध साल में। रत्नकरण शाकाचार्य में एक श्लोक आया सामयिक के प्रकरण में, आई थिंक होना चाहिए 103 नंबर का, देखना चाहिए, एक हद हो सकता है। सामयिक के काल में क्या विचार करें, अशरणम शुभम नित्यम दुख मनात्मा वसामि भवम मोक्षस्तद् विप्रीतात्मे तु ध्यायन्तु योगिनः। क्या विचार करना, संसार अशरण है, अनित्य है, अध्रुव है, असार है आदि, तथा मोक्ष सारभूत है, नित्य है, अच्छा है आदि, ऐसे चिंतन करना। यही सब सामयिक के चिंतन का ही उपाय यहां पर चल रहा है। लेकिन 31 पेज के इस चैप्टर में 27 पेज संसार दुख का वर्णन चलेगा और कुल 4 पृष्ठ मोक्ष सुख का वर्णन चलेगा। Why is it so? क्योंकि मोक्ष परोक्ष है, अत्यंत परोक्ष है, अनुमान किया जा सकता है। आज यहां पर रात है तो अनुमान किया जा सकता है, अभी अमेरिका में दिन है, बराबर राइट? अरे हाँ, कुछ बोलो, कुछ कंट्रीज में यहां रात है तो वहां दिन ही है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष को समझना और प्रत्यक्ष पूर्वक परोक्ष की अनुभूति करना, तो जो आप बीती है राग द्वेष संसार को जो भोग रहा है जी, उसकी चर्चा ज्यादा की जाएगी और फिर उसके बाद उसके विलोम का अनुमान से चर्चा होगी कि मोक्ष सुख इससे विपरीत होता है। क्योंकि जिन कारणों का सद्भाव है दुख के लिए, बराबर उन कारणों का अभाव है। सो कारणों के अभाव से कार्य का अभाव होना, विरुद्ध होना, ये न्याय सिद्ध है। सुबह हमने देखा था संसार का मूल कारण के हेडिंग के अंतर्गत एक चार्ट बना था आज, तो उस चार्ट में संसार का मूल कारण हेडिंग बनेगा। और संसार का मूल कारण बताया जा रहा है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। थोड़ा सा विचार करना तत्वर सूत्रकार की शैली, कुनकुन स्वामी की शैली अलग अलग, समय सार की शैली मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम कहने की है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र कहने की नहीं है, तो समय सार का ही अनुगम पंडित जी साहब ने कहकर करके इन्हीं तीन शब्दों का प्रयोग किया है, वैसा का वैसा। इससे कोई भाव भिन्नता नहीं है, बस यही समझ सकते हैं कि समय सार का जोर पंडित जी साहब पर ज्यादा था, इसलिए कई टर्मिनोलॉजीज उन्होंने समय सार की वैसी ले ली है, जबकि तत्व और सूत्र पर अच्छी पकड़ थी, ऐसा भी ख्याल में आता है। आगे बढ़ते हमने यह देखा था संसार का मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है, यदि भेद रूप कहना हो तो। और इसका स्वरूप भी हमने देखा था अन्यथा प्रतीति, अन्यथा ज्ञान और अन्यथा प्रवृत्ति, आपको याद आ रहा होगा। और जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं जानना, उसको वैसा नहीं मानना और तदनुरूप फल भोगना, समझ में आता है?
जैसी वस्तु नहीं है, जैसे रस्सी थी उसको सांप माना, तो फल होगा भार, आकुलता, दुख। और वस्तु का समीचीन ज्ञान होने के बाद जो फल हुआ, मैं चारित्र की बात कर रहा हूं, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं कि जैसे यथार्थ ज्ञान हुआ, यथार्थ श्रद्धा हुआ कि ये सांप नहीं है, बोलिए तो निराकुलता होगी चारित्र की पर्याय। सुबह हमने यहां तक बात की थी। विचारणीय थोड़ी सी बात यह है, पढ़ने के पहले निमित्त कारणों की चर्चा हमने की थी, उसमें हमने देखा था मिथ्या दर्शन का निमित्त कारण दर्शन मोह है, और अज्ञान का निमित्त कारण हमने देखा था ज्ञानावरण का उदय नहीं समझना, क्योंकि ऐसा यदि समझेंगे कुमति ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण नाम के दो कर्म की प्रकृतियां नहीं है, कितना ज्यादा एक्सटेंट उसी के लिए कर्म है, केवल ज्ञानावरण कर्म एक्सटेंट तय करता है, क्वांटिटी तय करता है, क्वालिटी तय नहीं करता। क्वालिटी तय करने के लिए दर्शनावरण ही तय करता, और वो क्वालिटी भी प्रत्यक्ष परोक्ष पने की नहीं, अब समझ रहे मेरी बात को, ये भी वो ज्ञानावरण ही तय करता है परोक्ष प्रत्यक्ष पने की। ये क्वालिटी में मोक्ष मार्ग के अनुरूप की बात कर रहा हूं, मतलब मुझे दो बातें कहनी आनी, ज्ञानावरण क्वांटिटी डिसाइड करता है ज्ञान की, और क्वालिटी भी डिसाइड करता है, वो परोक्ष प्रत्यक्षता की डिसाइड करता है, और दर्शन मोह ज्ञानावरण की ज्ञान की एक विशिष्ट क्वालिटी तय करता है। कौन सी क्वालिटी? सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान, क्योंकि एक मिथ्या दर्शन के होने न होने से ज्ञान मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान नाम पाता है, क्वांटिटी से की बात नहीं होती, इसलिए मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान के लिए निमित्त कारण हमने दर्शन मोह ही रखा है। और खरेखर विचार किया जा तो मिथ्या चरित्र में कौन से कर्म का उदय कहा, निमित्त कारण कौन कहा है, चरित्र, उसमें भी चरित्र मोह में क्या लेना चाहिए, यहां पर चरित्र मोह में भी ऑफ कोर्स अनंतानुबंधी ही लेना चाहिए आपको, कहा असंयम अचरित्र है, लेकिन यहां पर विशिष्ट असंयम की बात करते हैं, दसवें गुणस्थान तक चलने वाले असंयम की बात यहां पर नहीं करनी है, यहां पर केवल पहले गुणस्थान के असंयम की बात करनी है। मिथ्या दर्शन प्लस असंयम इज इक्वल टू मिथ्या चरित्र। कदाचित कोई इसको इसमें भी निमित्त मिथ्या दर्शन मोह का उदय कहे तो भी बहुत दिक्कत नहीं आने वाली, हालांकि ज्ञानवरण के लिए तो यही एक चारा था दर्शन मोह का उदय कहना अज्ञान की, लेकिन अचरित्र असंयम के लिए अपनी स्वतंत्र प्रकृति है उसकी, तो अनंतानुबंधी कहना लेकिन, और अनंतानुबंधी और मिथ्या दर्शन, अनंतानुबंधी मिथ्या दर्शन को गर्भित किए हुए ही है, अनंत का ही एक अर्थ हमने किया था, बोलिए मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का अनुसरण करते हुए हो तो उसको अनंतानुबंधी की बात आई थी, मतलब विचार करना यहां पर आम अचरित्र नहीं लेना, यहां पर मिथ्या चरित्र की बात लेना अभिष्ट है। आइए इस एक पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं, फिर नए प्रकरण की तरफ अपन बढ़ लेते हैं कर्मों। पहले और एक बात थोड़ी सी, छह ढाला में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ मौलिक अंतर है, आपको बैठकर आपकी उम्र के बच्चों को, हालांकि उम्र का तो कोई तकाजा है नहीं आत्मकल्याण वालों को, हमको क्या वांदा है, लेकिन हमारा टाइम समय तो वैसे ही दिन भर इसी में ही लगता है, लेकिन आपकी उम्र को देखकर उलझाने का यदि साधन चाहिए आप, तो आप ऐसा उपक्रम कर सकते हैं कि छह ढाला और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बीच में क्या क्या मौलिक अंतर देखने को मिलते हैं, एक अंतर जिसको मैं अभी यहां से कहूंगा आपके सामने। दौलत राम जी ने जो जीव के दुख दिखाए अनादिकाल से, वे चतुर्गति की अपेक्षा ही दिखाए हैं,
जो पहली ढाल में आप जानते हैं। पंडित जी साहब यहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जीव का दुख दो प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, एक तो कर्मों की तरफ से और एक तो गति की तरफ से। दौलत राम जी की यह दृष्टि रही है और हेतु भी आपको जानना चाहिए इसका। फिर वही दिक्कत, वही पॉइंट है, पद्य में इतनी क्लिष्ट चर्चा नहीं हुआ करती क्योंकि पद्य एक प्रकार से सर्वव्यापकता का विषय बनते और छह ढाला जन जन के कंठ का हार है। जितनी ख्याति छह ढाला को है उतनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को कैसे हो सकती है। गुनगुना जाते हैं पूरी छह ढाला कितने जन को भी, एक पेज भी किसी का भी कंठस्थ होगा क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि छह ढाला में चार गति के दुख का वर्णन केवल इसलिए किया है क्योंकि आम जन को वो पल्ले पड़ जाती है, कदाचित अन्य मति को भी वो हाथ में आया, जैनेत्रों को भी, तो भी चार गति का वर्णन 84 लाख योनियों का वर्णन बाकी मति भी लगभग करते, लेकिन कर्मों की बात बाकी के मत वाले करते भी नहीं है, तो सर्वव्यापक वो बात होती नहीं और फिर शॉर्ट में नहीं हो जाती, इनको तो विस्तार से ग्रंथ लिखना था। तो एक मौलिक अंतर यह समझना, तो इसलिए यहां पर एक क सेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे, और ख एक सेक्शन आएगा आई थिंक पेज नंबर 62 पर हम देख रहे थे, है ना, वहां पर ख सेक्शन चालू होगा। 62 हाँ, पर्याय की अपेक्षा। तो और फिर क ख के बाद वो ग की भी बात करें इन टर्म्स ऑफ भाव, एंड वो सत्तर पेज पर दुख का सामान्य स्वरूप की भी बात करते हैं। हालांकि आप यदि इसको वर्गीकरण नहीं करना हो यदि तो कोई बात नहीं है क्योंकि दुख का नेचर बताया जाएगा ग में, तो मोटे तौर पर क्योंकि नंबरिंग तो संपादक ने अपनी ओर से की, हमें पूर्ण स्वाधीनता है विचार करने की, तो दो पॉइंट्स तो वर्कर ही समझ में आ रहे हैं। जीव के दुख दो प्रकार से बताए जाएंगे, यहां पर कर्मों की तरफ से दुख बताया जाएगा, लेकिन दुख कहीं से भी बताया जाए एक मूल चीज तो कारण तो वही रहेगा। आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। ध्यान रखना यहां का अज्ञान ना ही आपदे का ज्ञान है और यहां का असंयम, बोलिए बात को, ना ही औदयिक असंयम है। कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं, यह मुश्किल है आप पकड़ पाए, वैसे कित क्या पकड़ा पाया मुझे कहना यह था औदयिक भाव के किस भेद आपने देखे हैं, देखे हैं आप, 21 भेद में असंयम भी गिनाया है, वहां पर असंयम स्टैंड्स फॉर और कषाय भी अलग लिखा है वहां पर, राइट वहां पर मिथ्या दर्शन भी लिखा है अलग सा, याद आ रहा है आपको, सूत्र बोलिए, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत्व लेशा, और फिर उनकी गिनती करें, ऐसा ही है सूत्र है। मुझे यह कहना है देयर असंयम स्टैंड्स फॉर एंड कषाय स्टैंड्स फॉर, रियली असंयम भी कषाय ही थी, लेकिन वह कषाय और असंयम अलग अलग दिखाया, क्या हेतु है। वहां पर कषाय मतलब प्रत्यक्ष नवन और संजुलन के उदय में होने वाला विकारी परिणाम, असंयम मतलब बोलिए सॉरी यही तो मैं फर्क करना चाहता हूं, वहां पर असंयम मतलब अप्रत्यक्ष नवरण लेना केवल, और अनंत व्हाट अबाउट अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी के उदय से असंयम नहीं होता है, अनंतानुबंधी के उदय से रियली मिथ्या संयम मिथ्या चरित्र होता है। हालांकि कहेंगे तो उसको अभी तो यहां पर कहा ही तो जा रहा है असंयम, असंयम के भी अलग अलग स्तर हो जाएंगे, फिर अनंत अनुबंधी के उदय वाला असंयम अलग,
अप्रत्यक्ष नवरण के उदय वाला संयम अलग, फिर प्रत्यक्ष नवरण के उदय वाला संयम भी अलग छाट सकेंगे, और बहुत जोर लगा तो संजलन संजलन के उदय वाला भी असंयम अब कह सकेंगे। कैसे कह सकेंगे? फिर चरणनियोग की विवक्षा से हटकर आपको कर्णनियोग की विवक्षा में जाना पड़ेगा। इतनी सूक्ष्मता को कौन पकड़ रहा है जो मैं कह रहा हूं? क्योंकि मुनियों को संयमी कहा जाता है चरणनियोग की अपेक्षा, कर्णनियोग की अपेक्षा तो दसवें गुण स्थान तक असंयम पाया जाएगा, इस अपेक्षा में बात कर रहा था। आइए, यहां का ज्ञान आपको औदय का ज्ञान नहीं लेना है, क्षयक्षण का ज्ञान लेना है, विपरीत जानने रूप अज्ञान, कम जानने रूप अज्ञान, ऐसा अर्थ यहां पर नहीं लेना। और असंयम का अर्थ यहां पर मिथ्या चरित्र लेना है, अनंत अनुबंधी के उदय वाले आम नहीं, वह सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धा मिथ्या दर्शन, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती। व्यवहार से अतत्व शब्द मतलब सात तत्वों का, परमार्थ से आत्मा का, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयक्षम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। गेटिंग? वह मति ज्ञान कु ज्ञान, वह श्रुति ज्ञान कुश्रुति ज्ञान, वह अवधि ज्ञान कु अवधि ज्ञान, दैट इज ड्यू टू दर्शन मौका उदय। उससे यथार्थ वह अज्ञान हो रहा है, उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है, तथा चरित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है, उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवृत्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक है वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है, किस प्रकार सो बतलाते हैं। आगे बढ़ना है, अभी पूरी जगह आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, यह प्रकरण जो 15-16 पेजेस चलेगा, 17 पेजेस जितना भी चलेगा, एक थीम आपके दिमाग में हर जगह चाहिए। मैं आपको रिमाइंड तो कराऊंगा, क्या क्या ये दिखाना 17 पेजेस में ये है, इनको और भी आगे, वैसे और भी आगे कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र ये है दुख का मूल कारण, दिखाने ये चाहते हैं। कितने आश्चर्य की बात। अभी हेडिंग क्या आएगा? हेडिंग क्या आएगा? ज्ञान और दर्शन और के निमित्त से दुख। और अभी अभी ऊपर क्या डाल रहे हैं हम, क्या बताएंगे उत्थानिका में क्या कह रहे हैं? अभी हम ये सिद्ध करेंगे हर जगह कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से ही दुख होता है, और हेडिंग क्या आएगी आगे? ज्ञान और के निमित्त से दुख। थोड़ा अटपटपन लग रहा है आपको, विरोध जैसे भी लग रहा है, मैं अब थोड़ा सा थोड़ा जुड़ जाइए, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ क्या थीम है। देखिए हेडिंग पढ़ो थोड़ा सा, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। यहां तक तो हमें बात रुचती थी और पच जाती थी। कितनी? क्या कि ज्ञान और दर्शनावरण के निमित्त से जीव की यह हालत होती है, ये तो मानते थे। अभी यहां पर क्या बोला गया अभी कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से उदय से होने वाला दुख, ऐसी बात कर रहे हैं, और उससे निवृत्ति। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम से सॉरी होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अभी वहां पर दुख की बात नहीं थी, दुख मतलब बंद, वहां पर केवल अवस्था की बात थी, तो उतना तो पचा गए। लिसन नाउ, लिसन, यहां पर भले ही ऐसा कहे, यहां पर भले ही ऐसा कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से क्षयक्षम के निमित्त से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, समझना आपको यह है ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम में जो मोहनीय का सद्भाव है उसके कारण दुख, यह साइलेंटली आप इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए आपको। आप समझ रहे हैं? जैसे हम कहते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे साइकोलॉजी, पी देयर इज साइलेंट, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता बट आपको समझना चाहिए। मैं थोड़ा बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। समयसार ग्रंथ में अच्छा फ्लो चल रहा था, चलते चलते तीन गाथाओं को कुनकुन स्वामी ने कहा कंटिन्यूस एक के बाद, प्रकरणीय आया
के ज्ञान से बंध होता, बहुत हो हल्ला उठ होता। शंकराचार्य ने कहा कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन, क्या कहना है, ज्ञान से बंध कैसे कह रहे हैं आप? ज्ञान तो बोलिए स्वभाव है, और स्वभाव ही बंध का कारण होगा, तो मुक्ति का कारण कौन होगा? और फिर छह द्रव्यों को भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि स्वभाव से रहित तो कोई नहीं, पकड़ा उसने, पकड़ा। कुनकुन स्वामी ने एक दूसरी गाथा लिखी, प्लीज हमको ये कहना, हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान बंद का कारण है कहकर हम तो और कुछ नहीं कहना चाहते, आप सही कह रहे हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि क्षय विषमिक ज्ञान बंद का कारण है। एक नई बात उन्होंने और की, दूसरी गाथा इसमें लगा ली उन्होंने। अभी अभी ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे थे, ऐसा तुम्हें लगा होगा, तो हमने थोड़ा सा एंगल बदल कर हमने ये कहा, हम ज्ञान स्वभाव की, त्रिकाल स्वभाव की बात नहीं कर रहे, हम तो छद्मस्थों की बात कर रहे हैं जो क्षयक्षमिक ज्ञान वाले होते हैं और क्षयक्षमिक ज्ञान से बंद होता है, ऐसी दूसरी गाथा है। शंकराचार्य फिर खड़ा हुआ, कहते हैं से सुनो साहब, क्षयक्षमिक ज्ञान वालों को बंद होता है ये बात अलग है, लेकिन आप कह रहे क्षयक्षमिक ज्ञान से बंद होता है, कितने जन फॉलो कर? गुड गुड। तीसरा वर्ड का प्रयोग किया कुनकुन स्वामी ने, वी मेंट टू से ज्ञान का जगन्य परिणमन बंद का कारण, फिर पकड़ा, कह रहे ज्ञान का जगन्य परिणमन बंद का कारण है, अरे ज्ञान का कितना भी जगन्य परिणमन हो, पर्याय नामक ज्ञान पर्याय निगोदी के भी जो जगन्यतर ज्ञान वर्त रहा है, पर्याय नामक ज्ञान पर्याय अक्षर के आनंद व भाग ज्ञान, वो ज्ञान भी स्वभाव कांश है, वो जगन्य ज्ञान भी, बोलिए बात को, बोलिए बात को पूरी करो, प्रकरण संदर्भ बोलो, बंद का कारण नहीं है। फिर कुनकुन स्वामी ने और एक गाथा लिखकर और समाधान बहुत अच्छे से किया और ये कहा, मेरे भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम कहना और कुछ चाहते हैं, लिखा भले ही ऐसा है, हम कहना ये चाहते हैं कि ज्ञान के साथ रहने वाला राग बंध का कारण है, फॉलो कर रहे हैं। और फिर हमने जो क्षयक्षमिक ज्ञान कहा था, जगन्य ज्ञान कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि क्षयिक ज्ञान वालों के तो कोई राग द्वेष होता ही नहीं, इसलिए हम क्षयक्षमिक ज्ञान की बात कर रहे थे, क्योंकि राग द्वेष के साथ क्षयक्षमिक ज्ञान रहता है, सहचर धर्म की बात कर रहे थे। क्या कहा मैंने? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार, बोलिए कोई उदाहरण और आपके ज्ञान में सहचर धर्म का, बोलिए। अजय कहा जाएगा इंडिया का कोई एक आदमी खराब काम करे अथवा कोई बालक खराब काम करे, बदनाम कौन हो सकता है? माता पिता, राइट? सहचर धर्म के कारण, सहचर धर्म के कारण। ठीक उसी प्रकार यहां पर समझना चाहिए, और एक शास्त्रीय उदाहरण में पूछ रहा था, सम्यक त्वम च, देवायु के आश्रम का कारण क्या कहा? सम्यक त्वम च कह रहे हैं, सम्यक त्व से देवायु बंधेगी, ऐसा बोला, समझना क्या है? सम्यक त्व के साथ रहने वाला शुभराग वो देवायु के आश्रम का कारण बनेगा। गेटिंग? समझना आपको ये? आगे बढ़ते, ठीक उसी प्रकार यहां पर समझ लेना चाहिए, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति कह रहे हैं, और समझना क्या चाहिए? राइट? उसके साथ रहने वाला जो मोह है वो बंध का कारण है, काला रंग वो दुख का कारण नहीं है, मैं काला दुख का कारण इतना सा भी नहीं है, दो विकृतियां घुस गई तुम्हारे अंदर, एक तो काला मीन्स खराब, एक दूसरा मैं काला, दो विकृतियां पाल रहा है, एक तो तू काला होता नहीं है, और काला उपचार से कोई होता भी है संयोग से तो भगवान भी तीर्थंकर भी दो दो तीर्थंकर को काला रखा नहीं गया है,
कि वो सब झगड़ा मिट जाएगा पब्लिक का, दो काले भी रख दो, ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहे काला रंग कहीं आड़ा आता ही नहीं, सौंदर्य में भी नहीं, ये तो तुमने दो भ्रम पाल रखे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए। इसीलिए तीन बातें मैं पढ़ूंगा, एक तो हेडिंग उत्थानिका इनकी, इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदि है वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है, किस प्रकार सो बतलाते हैं। हेडिंग तो उनका यह है, यह तो संपादक ने हेडिंग लिख दिया अपनी तरफ से, और लिखा भी हो तो गलत लिखा यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे कहना है ऐसा आपको एक साइलेंटली उसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक बात, मैं दूसरी बात और कहकर दिखाता हूं आपको। देखिए एक पैराग्राफ जो अभी आएगा वो टोटल मिथ्या दर्शन का स्वरूप आएगा और आपको इरिलेवेंट लगेगा, चर्चा से आपको असंगत लगेगा, क्योंकि हेडिंग क्या चल रही है, ज्ञानवरण दर्शनवरण के निमित्त से होने वाला दुख। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, अब पहले लाइन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज्ञानवरण कर्म का यदि ऐसा होगा तो फिर ऐसा दुख होगा, ऐसा चालू करना चाहिए। अभी एक पैराग्राफ ने उन्होंने मिथ्या दर्शन का स्वरूप ही कहा है और जीव मिथ्या दर्शन से कैसे दुखी है ये बताया जा रहा है। तो अगेन मिथ्या दर्शन क्या है वो बता रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बात दोहराऊं जो पीछे आई थी, साहब फिर से यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं। कह रहे क्या करता है ये डिफेक्ट, एक तो स्व पर को एक मानता है। गेहूं का कंकड़ का उदाहरण मैंने चार पांच पीरियड्स पहले दिया होगा, कहना बात अलग है, पैसा देना भी बात अलग है, लेकिन उसको खाना रोग उत्पादक है। तो कहते स्व पर में अभेद खड़ा करता है मिथ्या ज्ञान का एक स्तरीय द्रव्य का विशेष नहीं जानता। एक आगे, फिर आगे बढ़ो, गुण के विशेष नहीं जानता की भी बात हो सकती है, लेकिन अपन गुण और पर्याय को एक ही वर्ड कहो तो भाव कह सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। कहते इसमें क्या करता है ये गड़बड़, एक तो द्रव्य की विशेषता नहीं समझता, सेकंड कहते हैं कि यह स्पर्श रस गंध वर्ण भाव था पड़ोसी का, ये परद्रव्य का भाव, एक परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाला, हमारे प्रदेश में उत्पन्न होने वाला औपाधिक भाव था, क्रोध आदि विकारी भाव। दो तीन, एक ज्ञान दर्शन आदि का भाव था, ये तीन भाव। तो कहते इन सब को अपना भाव समझता है, कितने जन समझ रहे हैं, सुनिए सुनिए। मिथ्या दर्शन दो स्तर पर बोल रहे हैं अभी, यहां पर दो प्रकार से पुटअप कर रहे हैं, एक तत्व की तरफ से और एक अर्थ की तरफ से, क्योंकि तत्वार्थ सद्धनम सम्यक दर्शनम, वो तत्व की में भी खोट करता है और अर्थ में भी खोट करता है। मैं क्या अर्थ कर रहा हूं, मैं मेरा विशिष्ट अर्थ कर रहा हूं, विशिष्ट वोकैबुलरी, मुझे ये कहना है अर्थ में जीव और पुद्गल इनको एक मानता है, शरीर और जीव को एक, और फिर जो भाव रूप है, हालांकि अर्थ है तो उसका भाव है, भाव है तो अर्थ है, लेकिन मैं अभी जीव और अजीव को पदार्थ कह रहा हूं और नीचे वालों को भाव कह रहा हूं अश्रुबंद को। तो ये क्या करता है, ये जानना देखना, विकारी भाव और स्पर्श रस गंध वर्ण इन सबको अपना मानते। ये चार्ट हमने, ये भी चार्ट आई थिंक 10 पीरियड पहले देखा है हमने, आपको याद आ रहा होगा हमने ये भी चार्ट बनाया है आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान में है, मैंने ये बनाया था पेज नंबर 38 पर जब हमारी चर्चा चल रही थी, 38 पर दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था, वहां पर मैं बता रहा था आपको ये कैसा कैसा मिक्सचर कर लेता है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें अपना हिस्सा तो एक था, सुनिए आपको याद आ रहा होगा, हमको तो बहुत याद आता है, जब छोटे बच्चे थे हम, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, ऐसा ऐसा उंगली कहते, तुम वो इसकी सबसे छोटी उंगली को क्या कहते आप लोग, छिंगी क्या कहते हैं आप, ठीक है सबसे छोटी, व्हाट इज दिस कॉल्ड इन इंग्लिश, लिटिल क्या, लिटिल फिंगर इंग्लिश में नाम इसका, ओके लिटिल फिंगर मान के चलिए। अब मुझे क्या कहना है, कहते हम ये कहते थे उसको इकट्ठा करके और कहते पहचानो पहचानो पहचानो, आप लोग खेलते ऐसा, लेकिन कोई कोई इतना चालाक होता था वो उंगली हटा देता था उसमें से और दूसरी उंगली फंसा देता था, एक क्या और दो फंसा देता था, बुद्धिमान आदमी तो तब भी कह रहे यार छः कैसे आ गए इसमें।
ये क्या बात हो गई? लेकिन वो पांच की जगह बराबर पांच रखता था, कहता ये, कहते ये गया, फिर कह रहे ये गया। तो करता क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन नीचे से होना चाहिए, सब नीचे से देखने की कुछ इजाजत है? वो चीज ही नहीं है उसमें। ठीक उसी प्रकार इसकी खोज में एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये हुई, जहां पर यह खोज करना चाहता है वो समग्र वस्तु को ही अपनी वस्तु मानता है। आप समझ रहे हैं? अपनी वस्तु, अपना माल अपना और पराया माल भी अपना। कायदे से तो इसका डिफेक्ट ही हो गया, क्योंकि खरे खर ना अपने को जानता है ना पर को जानता है। एक पैराग्राफ आइए पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन का स्वरूप सबसे पहले कहते हैं, मिथ्या दर्शन अधिक से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। स्व पर है उपाधि, स्व पर का अभेद करता है, यह पहला डिफेक्ट उसका, जो मैं पदार्थों का बात कर रहा था, पदार्थों का अभेद करता है। अभी भावों का की जो बात कर रहा था, हे उपादेयता में कैसे डिफेक्ट करता है, आइए उसको देख लेते हैं। अभी यहां पर हे उपादेय ही नहीं, हे उपादेय और गे भी, स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्याय को स्व मानता है, पूरे कलेक्टिव यूनिट को स्व मानता है, तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। अभी प्रकरण चेंज, अभी देखिए भाव की तरफ बात ढलेगी। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, और कर्मोपाधि से हुए क्रोध आदि भाव अनुरूप परिणाम पाए जाते हैं, तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है, और स्थूल कृश आदि होना तथा स्पर्श आदि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं, इन सब को अपना स्वरूप जानता है। हम बहुत प्रॉपर चार्ट होना है इसका, तो द्रव्य, गुण और पर्याय तीन के स्तर पर बनेगा। द्रव्य अभेद कैसे करता है? स्व प्लस पर इज इक्वल टू स्व, ऐसी मान्यता मैथमेटिकल फॉर्म में द्रव्य का कहना चाहिए। द्रव्य संबंधी मूढ़ता, कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात को? मोह का चिन्ह बताया जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में, मोह का एक चिन्ह यह बताया द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता। क्या बढ़ता है मूढ़ता? तो जैसे अभी यहां पर अपन ले रहे स्व द्रव्य पर द्रव्य को एक मानना, यह द्रव्य मूढ़ता। दो, स्वगुण पर गुण को एक मानना, गुण मूढ़ता। स्वगुण पर गुण एक ज्ञान दर्शन था, ज्ञान दर्शन आदि, बस लेट इट बी, एक ज्ञान दर्शन था, एक स्पर्श रस गंध वर्ण आदि था, इन दोनों को अपना कलेक्टिवली मानता है। कहता मैं जानता भी हूं, मैं जानता हूं मैं कितना अच्छा बात करता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कितनी अच्छी वाणी बोलता हूं। क्या बोल रहा है ये? एक लाइन में वो ये कह रहा है मैं जानता हूं ऐसा बोल रहा है, और आगे ये भी बोल रहा है कि मैं बोलता हूं ऐसा भी बात कर रहा है। ये स्व का अंश पर में मिला रहा है, पर का अंश अपने में मिला रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? कभी ये कहता है, चलो क्या दो बातें क्या हुई इसमें? तो कहते जो पुद्गल आश्रित है वो भी अपना मानता है, और जीवाश्रित है वो भी अपना मानता है, गुण संबंधी और पर्याय संबंधी। क्या कहेंगे मूर्ता? पर्याय संबंधी जानना देखना ऐसा लगा लो पर्याय में, उसमें तो क्या नया शब्द बोलना। टू, क्रोध आदि विकारी भाव। थ्री, यहां पर थ्री करेंगे आप, थ्री समझ में आता है। पर्याय मूर्ता के कॉलम में, जीव के कॉलम में आप दो सब कॉलम्स बनाएंगे। आप समझ रहे हैं कितने जन? सब कॉलम में लेकिन एक काम जरूर करेंगे आप, जैसा पर का कॉलम है स्थूल कृश आदि पर्याय, पर्याय में क्या लिखा होगा आपने? पर्याय के लाइन में क्या लिखा आपने? जानना देखना क्रोध आदि, ये दोनों एक स्व के कॉलम में लिखना, और पर के कॉलम में क्या लिखना? स्थूल कृश आदि। लेकिन आपको यह करना, ये जो स्थूल कृश आदि है उसके साथ क्रोध आदि को
जोड़कर आपको गोला ऐसा चढ़ाना है। तो यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि होता अपने में है, इसलिए लिखा यहाँ पर। लेकिन मानता दोनों को बराबर की हैसियत से। लड़का लड़की पैदा एक ही जगह पर हुए, लेकिन एक हैसियत से नहीं मान सकते। एक को पैसा देकर भगाया जाता है, और एक को कितना पैसा लाएगा, समझ में आता है? वो हल्की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि दहेज वगैरह की कोई बात नहीं होती है। पैसा मतलब दहेज की बात समझनी भी, वैसे नहीं समझनी हो आप ये कह सकते, ये कमाएगा, ये लाएगा, समझ में आता है? एक स्वधन है, एक परधन है। ये एक पैराग्राफ इन्होंने इस यहाँ पर लगाया। मैं क्या कहना चाहता था आपको, क्या कहना चाहता था? हाँ, मूल चीज़ क्या कहने वाला था? मैं ये कह रहा था, यहाँ पर तीन जगह ऐसी छटाई मिलेगी आपको, जहाँ पर स्पेशल मार्क मिलेगा कि जीव को जितना दुख है वो मिथ्या दर्शन आदि से। कैसे दिखाया मैंने? एक तो ऊपर की लाइन पढ़ाई, राइट, एक पैराग्राफ ये पढ़ाया, राइट। अब इसका समापन भी पढ़ लेंगे अपन। आइए समापन देखें, इसका समापन की एक लाइन पढ़ना जरा, एक मिनट, सॉरी। आप एक काम करो, 47 पेज पर आइए, 47 अंतिम दो लाइन पढ़िए, देखिए वहाँ के। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। अपने आप में कोई क्षयक्षमिक ज्ञान कोई दुख का कारण नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे? तो ये आपको तीन पॉइंट्स मैंने इसलिए पढ़ाए, हेडिंग ऐसा है, क्योंकि प्रूव हर जगह आपको 17 पेजेस में यही ध्यान रखना है। हेडिंग तो ऐसे लिखेंगे, अभी आगे का हेडिंग देखिए ना, वहाँ पर ये लिखा मिलेगा नहीं, वो तो मोहनीय की ही बात है, लेकिन आगे के हेडिंग में मिलेगा मोहनीय के बाद क्या है, सॉरी नहीं, वेदनीय का कहा गया पेज, मोहनीय 41, सॉरी प्लीज आप तो पीछे चले गए, सॉरी देखिए 58 पेज पर आइए, यहाँ पर क्या लिख रहे? वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। हेडिंग देखिए सबके, अभी दो एक पेज और टर्न करिए। आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उसके निवृत्ति। हेडिंग ऐसा लिखा जा रहा है, और प्रूव यह करना है, कह रहे हैं क्या, इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन अधिक है वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है, किस प्रकार सो बतलाते हैं, ये कह रहे। आप कितने जन समझ रहे हैं? साइलेंटली ये समझना है आपको, जो समय सार की तीन गाथाएं कही, ज्ञान दुख का कारण है, क्षयक्षमिक ज्ञान दुख का कारण है, जगन्य परिणमन दुख का कारण है, और निकला क्या पहाड़ में से, ये राग द्वेष दुख का बंध का कारण है, सहचर धर्म से कहा जाता है। प्रकरण कल से प्रारंभ करेंगे हम। ओम नमः।